दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर डीएस फिटनेस। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो हम लोग इधर कहाँ आ गया, तो कैमरा मैन एक बार घूर के देखा दीजिए कहाँ आ गया। तो दोस्तों आप लोग देख लिया हम कहाँ आ गया, हम लोग आ गया एक भुटका का खेत में। तो इधर क्यों आया पता है दोस्तों, इधर हम लोग आया घूमने के लिए, फिलहाल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, घूमने के लिए आया था। हम लोग देखने आया था हमारा खेत कैसा हुआ था, खेत का तो बात छोड़ दो। तो दोस्तों तो हम लोग एक बात नोटिस किया, तो आप में से बहुत सारे आदमी को मतलब समस्या एक ही रहता है, मतलब प्रॉब्लम रहता है जो हम लोग तो जिम जा नहीं सकते, वर्कआउट करने के लिए हमारे पास डंबल नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम करें तो करें क्या, अपना बॉडी को कैसे बनाए। तो दोस्तों मैंने इसको मुझे मतलब इस बात को मुझे याद आया इस टाइम पर, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इधर ही हम लोग बिना इक्विपमेंट बिना एक डंबल से इधर ही एक वर्कआउट कर देंगे। तो आपको भी मालूम चल जाएगा, तो आपके पास अगर जिम जाने का कोई कुछ भी नहीं है, आपके पास अगर जिम ही नहीं है, तो आपके पास अगर डंबल भी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो अपना शरीर का एक्सरसाइज, अपना फुल बॉडी का एक्सरसाइज, अपना चेस्ट का एक्सरसाइज। दोस्तों आज फिलहाल फुल बॉडी का एक्सरसाइज नहीं, ओनली चेस्ट का एक्सरसाइज, मतलब पुशअप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चेस्ट कैसे आप लोग मतलब पुशअप से मार के बाद इस ऐसा एक खुला मठ पर, ऐसा एक खेत पर आप लोग इजी को इस चेस्ट को करके मतलब इस वर्क करके अपना चेस्ट को बाहर निकल के दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इस चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। हमारे पास इधर फिलहाल कुछ भी नहीं, ना तो डंबल है, ना ही तो हमारे पास कोई असिस्टेंट मैन है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हम लोग इधर करने जा रहे हैं क्या, चेस्ट का एक्सरसाइज, वो भी ऐसा एक जगह पर। तो आप अगर ऐसा सोचकर अगर जिम नहीं कर सकते हो कि जिम जाना नहीं जा सकते हो, तो आप इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो जिम करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए कोई जिम का भी जरूरत नहीं, ना तो कोई डंबल की जरूरत। आप फिलहाल इस ऐसा एक जगह पर आप इसे आसानी से मार सकते हो, अपना चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधे वीडियो पर चला जाएंगे और आप देखते रहेंगे आप वीडियो को हम लोग कैसे स्टार्ट करें, मतलब इस वर्कआउट को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। आप अगर इसी तरह से सेम वर्कआउट करते रहेंगे, तो आपका जो चेस्ट है ना, मतलब ये साथी, तो आपको जल्दी से जल्दी ग्रो होने लग जाएगा। तो दोस्तों पहले जो हमारा पुशअप रहेगा वो करेंगे इस तरह से, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पुशअप मारेंगे। तो रेडी हो जाइए पुशअप के लिए। दोस्तों पहले जो हमारा पुशअप होगा वो मारेंगे क्लोजली, उसके बाद धीरे 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 दूर लेके जाएंगे, फिर धीरे 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 पास लेके आएंगे। मारो, देखते रहेगा आप, ये थोड़ा मारा थोड़ा दूर, फिर एक बार मारा फिर दूर, फिर एक बार मारा फिर दूर, ऐसा करके आप जितना ज्यादा दूर लेके जा सकते हो उतना ज्यादा दूर लेके जाइए, और ऐसा इस तरह से मारते रहेंगे और दूर मारते रहो, जितना ज्यादा दूर लेके जा सकते हो। हाँ, फिर पास लाओ दोस्तों, आप पास लेके, हाँ थोड़ा थोड़ा करके लेकर, थोड़ा आ गया। हाँ, बस इस तरह से मारो। तो दोस्तों आपको इसी तरह से मारना चाहिए, थोड़ा पहले क्लोजली मारना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इस तरह से दूर दूर जितना ज्यादा दूर लेके जा सकते हो उतना ज्यादा दूर लेके जाइए, फिर उसी टाइम मतलब कोई रेस्ट नहीं, फिर उसी उधर से फिर पास ऐसे इधर से स्टार्ट किया, उधर आके सुनना है, मारते रहो बस मिला। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से वर्कआउट को करना चाहिए, पहले इधर इतना क्लोजली करके इस तरह से एक बार करके मारेंगे थोड़ा दूर, फिर एक बार करके मारेंगे थोड़ा दूर, इस तरह से जितना ज्यादा आप दूर लेके जा सकते मार सकते हो उतना ज्यादा लेके जाए, फिर थोड़ा थोड़ा करके पास लेके आके उधर ही स्टार्ट करने का। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा वर्कआउट हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज हो जाएगा, जो पहला जो पुशअप का एक्सरसाइज है वो हमारा हो गया कम्प्लीट। तो बस एक सेट नहीं, आपको 60 सेट लगाना चाहिए, इसी तरह से 60 सेट लगाना चाहिए, और एक एक सेट में आपको 15 या 20 रेपिटेशन, आप जितना ज्यादा कर सकते हो, आप जितना ज्यादा मार सकते हो उतना ज्यादा मारने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपको ध्यान कर माने मतलब पूरा ध्यान से मारना चाहिए, कोई गड़बड़ कोई उल्टे सीधे नहीं करने का। तो दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट जो पुशअप करेंगे वो करेंगे मतलब पैर को थोड़ा ऊंची जगह पर रखकर, और आप अपना हाथ को थोड़ा डाउन में लेकर जो नॉर्मली पुशअप है उसको मारेंगे। तो फिलहाल हमारे तो इधर तो उतना हाइट नहीं है, तो इधर एक मिट्टी का बटर हुआ है, तो ये मिट्टी के ऊपर जो हम लोग पैर को रख देंगे, इधर ज्यादा हाइट नहीं है दोस्तों, लगता है 8 से 9 इंच हाइट होगा, इतना हाइट से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमारा हाइट और थोड़ा इतना होगा तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हमारा इधर हाइट तो है नहीं, तो इसलिए इधर ही मारेंगे मिट्टी के ऊपर बटर से। तो अभी मारो नॉर्मल जो हमारा पुशअप रहता है दोस्तों, इसको भी सेम आपको इसी तरह से मानना चाहिए, और इसको भी 4 सेट लगाना चाहिए, एक एक सेट में आप जितना ज्यादा रेपिटेशन कर सकते हो उतना ज्यादा मारने का कोशिश कीजिए, मैक्सिमम आप 15 या 20 का अंदर लेके मारने का कोशिश कीजिए तो बेहतर होगा, इस तरह से मारते रहो। और एक बात नोटिस रखने का मतलब इसको और थोड़ा अगर हाइट होगा तो बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा। तो फिलहाल हमारा जो हाइट करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि आपको पता है हम लोग कहाँ आ गया, कितना हमारा 12 नहीं चलेगा, 15 या 20
दोस्तों इन्होंने कम मरा तो कोई बात नहीं है, अगली बार मारने का ज्यादा कोशिश करेगा, ज्यादा मारने का कोशिश करेगा तो होगा। तो हमारा नेक्स्ट हो गया, वो भी कम्प्लीट हो गया। तो हमारा अभी करेंगे डायमंड पुशअप। तो दोस्तों डायमंड पुशअप को मालूम शायद होगा, अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डायमंड पुशअप होता है डायमंड का आकार से, मतलब इस तरह से आपको डायमंड का हाथ में शेप बनाकर उसको जमीन में रखकर इस तरह से मारना चाहिए। दोस्तों रेडी हो जाओ। दोस्तों एक बात इधर, डायमंड पुशअप मारने से आपका सिर्फ मतलब चेस्ट ही नहीं बल्कि ट्राइसेप्स में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो इसलिए डायमंड पुशअप भी आपको बहुत ही अच्छा से ध्यान से मारना चाहिए। डायमंड पुशअप मतलब चेस्ट में और ट्राइसेप्स में दोनों में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों डायमंड पुशअप भी आपको सेम 4 सेट लगाना चाहिए। एक एक सेट में 15 या 20 रेपिटेशन आप जितना ज्यादा मार सकते हो उतना ज्यादा मारिए तो बेहतर होगा। मारते रहो, इसको भी 4 सेट लगाना चाहिए दोस्तों। मारते रहो। मारो। आराम से। कितना? 10। इतना काम क्यों मार रहा है दोस्तों? आपको कम नहीं मारना चाहिए, आपको थोड़ा ज्यादा ही मारना चाहिए। तो ये बहुत देर से मारा, इसे थोड़ा थक गया, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा ज्यादा मारने का कोशिश कीजिए। यही भी मतलब इन्होंने भी जब मतलब दूसरा टाइम जब मारेगा तो ज्यादा ही मारेगा, क्योंकि इन लोगों ने मैंने बहुत देर से मार रहा है ना, इसलिए इनका ज्यादा नहीं हो रहा है निकला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मारने का कोशिश कीजिए थोड़ा ज्यादा मारने के लिए। तो दोस्तों हमारा आ गया, अभी हो गया जो लास्ट, जो फाइनली जो मतलब 4 नंबर जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे जंपिंग पुशअप। एक बार जंप करेंगे फिर पुशअप लगाएंगे, इसमें आपको मतलब इधर जो लेग के जो मतलब जिसको टाइस कहते हैं इसमें भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और चेस्ट में भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे मारेंगे, मारना है हमारा जंपिंग पुशअप, तो आप देखते रहेंगे। मारो इस तरह से जंप कीजिए और जोर से एक बार पुशअप, फिर जंप, फिर पुशअप, फिर जंप, फिर पुशअप। थोड़ा आशा से जंप कीजिए, जंप बराबर नहीं हो रहा है। जंप 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 अच्छा से, हाँ फिर पुशअप। हाथ को ऐसा नहीं, हाथ को अच्छा से इस तरह से नहीं, जंप करने का दोस्तों जंपिंग पुशअप इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से हाथ को ऐसा खोलकर नहीं करना, आपको जंपिंग पुशअप इस तरह से करना चाहिए। ऐसा हाथ को इस तरह जितना ज्यादा हाइट कर सकते हो उतना ज्यादा मारने को। मारो मारो, फिर भी हाथ को ऐसा, हाथ को जितना ज्यादा ओपनली कर सकते हो। मारो, हाँ मारो, जोर जोर से जंप करने का, जोर से हाँ मारो। तो दोस्तों आपको इसी तरह से जंपिंग पुशअप लगाना चाहिए, इसको भी मतलब इस वर्कआउट भी आपको 4 सेट लगाना चाहिए। एक एक सेट में आपको जितना ज्यादा रेपिटेशन दे सकते हो तो उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सेम वर्कआउट को करना चाहिए। दोस्तों आपने देख लिया हमारे पास इधर ना तो कोई डंबल है, ना ही कोई मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास इधर, बिल्कुल हम लोग खाली हाथ में आया है। मतलब तो हम लोग खाली हाथ में आकर चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। आपका पास अगर कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आप भी ऐसा इस तरह से वर्कआउट को करके अपना मतलब फिटनेस, अपना बॉडी का वर्कआउट, अपना बॉडी खुद भी खुद बना सकते हैं। दोस्तों आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप हमारा वीडियो को देख देख कर आपको सीख सकते हो, और इसी तरह से आपको एक ऐसा एक मार्ट पर मतलब जिधर भी चाहे कुधर भी किधर भी आप आसानी से मार सकते हो अपना वर्कआउट। तो दोस्तों अगर आपने मतलब इस वीडियो को अच्छी लगी या मतलब इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों मेरा वीडियो को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को पास भी मतलब शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आपका उन लोगों के पास अगर डंबल नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो बिना डंबल बिना कुछ का मतलब कोई किसी की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ अपना नॉर्मली आपको जो मतलब शरीर है उसी से आप कैसे कर सकते हैं अपना पूरा बॉडी का वर्कआउट। तो हम लोग इसी के बारे में आपको और भी बताते रहेंगे वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन भाई सब के पास जिनके पास कोई जिम नहीं है, कोई डंबल नहीं है, कोई मतलब जिम करने का कोई पैसा नहीं है, तो उन लोगों ने भी इस वीडियो को देख कर कुछ सीखे, ताकि उन लोगों के पास भी मतलब कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ मतलब एनर्जी मिले अपना शरीर के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए। तो दोस्तों ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, तो मेरा वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके दूसरों के पास भेजा देंगे। हम मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।